जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि आप सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अयाज गिल फिर से मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ, और आज जिस शोरूम पे मौजूद हूँ शोरूम का नाम है जी डीसेंट मोटर्स। यहाँ पे पहले भी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों की तरफ से। और जो गाड़ियाँ भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। ये मेहरान है, ये आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो GLI है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एक और GLI है, ठीक है, सुजुकी आल्टो है, ठीक है, ये मेहरान जो है। फिर उसके बाद एक ये मेहरान है, और उसके बाद ये जो है सस्ती गाड़ी है, ये मार्गला, ठीक है, बड़ी अच्छी कंडीशन में ये मार्गला दिखाऊँगा। उसके बाद ये सुजुकी लियाना मौजूद है। तो तकरीबन जो है ये 6 से 7 गाड़ियाँ जो हैं ये आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा। तो चैनल पे जो हजरात नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑल पे क्लिक कर ले। उससे होगा ये कि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को मिलते रहा करेंगे। तो चले जी गाड़ियों का जो व्यू है वो ये आपको दिखाते हैं, इन्फॉर्मेशन है ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं डीसेंट मोटर्स वालों को जो बोर्ड है, और इनका जो एड्रेस है ये अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरांवाला में चांदा किला रोड से जब हम शेरांवाला बाग की तरफ जाते हैं तो ये सामने जो है ये जी मंगोलिया आता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप आएंगे रोड क्रॉस करके तो आप लोगों को जो है ये डीसेंट मोटर्स नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले जो गाड़ी मैं दिखाने जा रहा हूँ ये GLI है, 2012 मॉडल है, और पंजाब की ये जनाब लाहौर की रजिस्टर्ड है। कंडीशन जो है ये इसकी, ये आउटर शावर्ड है, इन साइड ये बिल्कुल अपने ज़बरदस्त हालत में कंडीशन है गाड़ी। और ये इसका बोनट आप देखेंगे, इसके बोनट की सूरत हाल है। बम्पर की जो मौजूदा कंडीशन है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में जो बम्पर है ये इस गाड़ी में मौजूद है। और साइडों से जो है इसकी मैं कंडीशन आपको दिखाऊं तो ये आप इसकी वाइड एंगल में कंडीशन देख सकते हैं। टायरों में जो है अलॉय रिम वगैरह मौजूद हैं, गाड़ी के टायरों की कंडीशन मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से गाड़ी के टायरों के दोस्तों ये कंडीशन है। फेंडर वगैरह आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है राइट साइड वाला, और जो डोर है राइट साइड वाले ये देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन है डोर्स की। और इसके बाद आज हम मज़ीद इसका जो बैक व्यू है ये आपको मैं करवा देता हूँ। बैक कैमरा जो है आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी में मौजूद है, और जो बम्पर है इसका ये भी बिल्कुल ओके है, जो डिक्की है गाड़ी की ये भी बिल्कुल साफ़ हालत में है। इधर से रास्ता थोड़ा सा कम है तो इस तरफ से जो है अगर ये डोर लॉक है तो नहीं, फिर दूसरी तरफ से चलते हैं जी। दूसरा डोर जो है ना ये मोस्टली वो ही ओपन होता है, तो कोशिश करते हैं अंदर से आपको जो है ना ये दिखाएँ। तो ये आप देखें जो डोर की कंडीशन है, ये इसका राइट साइड वाला डोर है, और ये इसकी जनाब डोर की आप कंडीशन देखें, गत्ते वगैरह और जो सील्स वगैरह हैं ठीक है। और फाइनली ये है जी इसका इंटीरियर गाड़ी का। स्क्रीन इसमें देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है, ठीक है जी। मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है, डैशबोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं, और जो सीट्स की कंडीशन है ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक ठाक हालत में जो है सीट्स मौजूद हैं। अंदर से गाड़ी का रूफ आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, और इसी तरह से जो है ये इसका बैक डोर आप देख सकते हैं, ठीक है। बैक डोर इसका लॉक है, तो मैं इस तरफ से जो है बैक सीट्स आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप इसकी जो है पीछे वाली सीट्स भी देख सकते हैं गाड़ी की, जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में मौजूद है। कोई भी जो सीट है गाड़ी की ये रफ हालत में नहीं है। इसका जो है ये ओपन करते हैं बोनट, और इसका इंजन आपको मैं दिखाता हूँ एक नज़र कि इसके इंजन की जो कंडीशन है ये किस तरह की है। तो जनाब ये है गाड़ी का इंजन। इंजन वाइज ये गाड़ी बिल्कुल ओके बताई जा रही है, कोई किसी किस्म का इसमें इशू नहीं है। बोनट वगैरह आप देख लें बिल्कुल ओके है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके बिल्कुल क्लियर मिलेंगे आपको। डिमांड इसकी अगर मैं बताऊं तो डिमांड इसकी जो है 21 लाख रुपीज़ जो है इसकी डिमांड की जा रही है, मतलब कि 21 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी मौके पर कमी पेशी हो सकती है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो की स्क्रीन के ऊपर शेयर किया, जल्दी से अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वह रब्ता कर सकता है। बाकी आ जाए नेक्स्ट जो है ये मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। और ये जो गाड़ी है ये भी GLI है, लेकिन ये 2010 मॉडल है, और ये गाड़ी गुजरांवाला की रजिस्टर्ड है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। बाकी फ्रंट वगैरह जो है गाड़ी का आप देख सकते हैं, और ये भी गाड़ी जो ऑब्वियसली इसमें भी शावर है पीसीस गाड़ी के, ठीक है। और बाकी इसका बम्पर वगैरह बिल्कुल ठीक हालत में है, जो बोनट की कंडीशन है ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो बाकी बोनट भी इसका ऑलमोस्ट ओके है, और ये इसके टायरों की कंडीशन है ठीक है। जो 12 मॉडल है उसमें अलॉय रिम है, लेकिन इसमें अलॉय रिम नहीं है, इसमें कप व्हील है। और ये इसका जो है फेंडर, इसकी भी आप कंडीशन देख ले गाड़ी की। तो ये हैं जनाब इसके डोर्स,
जो बैक डोर है इसके ऊपर जो है ना लाइट से एक दो स्क्रैचेस मौजूद हैं, बाकी फ्रंट डोर इसका ये बिल्कुल साफ़ है। इसी तरह से जो इसकी बैक साइड है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैक कैमरा है ये इसमें अवेलेबल है जी, ये आप देख सकते हैं ये बैक कैमरा अवेलेबल है, डिक्की वगैरह इसकी देख सकते हैं, और जो बैक बम्पर की कंडीशन है ये भी आप लोगों के सामने है। तो ये इसका जो रूफ़ वगैरह ऊपर से ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि प्रॉपर जो है आप लोगों को आइडिया हो जाए कि गाड़ी की जो सूरत हाल है ये किस तरह की है। कोशिश करता हूँ शायद गुजर ही जाऊँ, चल लें जी गुजर ही गया हूँ मैं। आ जाएँ गाड़ी की दूसरी साइड की तरफ, तो ये इसकी दूसरी साइड है 2010 मॉडल जी एल आई की। तो ये इसके आप डोर्स वगैरह देख सकते हैं ठीक है, और इसका अंदर से जो रूम है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखें जो रूम की कंडीशन है ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ये इधर से रफ़ हुआ है, बाकी इसके जो है गद्दे वगैरह बिल्कुल ओके हैं। और ये इसकी जो है डैशबोर्ड की सूरत हाल है, क्योंकि डैशबोर्ड आप इसकी गाड़ी के देख सकते हैं, और जो सीट्स की कंडीशन है ये कुछ इस तरह से है जी, सीट्स वगैरह भी इसकी बिल्कुल ठीक हालत में है, और मॉडल के लिहाज से कंडीशन इसकी ठीक है। चलें जी इसका जो है बोनट ओपन करते हैं, और इसका इंजन जो है ये अभी देखते हैं कि इसके इंजन की क्या सूरत हाल है। बाहर से तो ये गाड़ी अंदर से तो बिल्कुल ठीक लगी है हमें, लेकिन इसका जो इंजन है ये भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो व्यूवर्स ये गाड़ी का इंजन है ठीक है, और ये इसकी बैटरी और फ्रंट पट्टी की कंडीशन आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इसके कुप्पे वगैरह हैं गाड़ी के, और ये इसका जो है बोनट ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी शोरूम की तरफ से गाड़ी 100% इंजन वाइज ओके है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके क्लियर हैं। और अभी आ जाएं गाड़ी की डिमांड के ऊपर, तो डिमांड इसकी की जा रही है जी 19 लाख रुपया 10 मॉडल जी एल आई की ये डिमांड है। अगर कोई दोस्त भाई इंटरेस्टेड है तो जल्दी से कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर शेयर किया हुआ है। तो आगे आ जाएं जी, सुजुकी लियाना मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मार्गला भी है, एक ये मेहरान है, ये एक मेहरान है, फिर उसके बाद आल्टो भी है। लियाना की तरफ आ जाएं तो ये 2005 मॉडल है, और कंडीशन इसकी जो है ये आप देख सकते हैं, अलायरिंग वगैरह इसके टायरों में मौजूद है, वाइट कलर है जिसका, और ये कुछ बम्पर की कंडीशन इस तरह से इसकी ठीक है। पीछे गाड़ी लगी हुई है तो मैं इतना डिटेल से नहीं दिखा सकता इसका फ्रंट, ये इसका बोनट आप लोग देख सकते हैं, 5 मॉडल है गाड़ी, और डोर्स वगैरह की कंडीशन इसकी कुछ इस तरह से है ठीक है। और बैक साइड भी आ जाए तो ये इसकी बैक साइड से कंडीशन है सुजुकी लियाना की ठीक है जी। और अभी जो है इसकी राइट साइड मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये जनाब इसकी राइट साइड आप देख सकते हैं, स्क्रैचेस वगैरह हल्के फुल्के मौजूद है इसमें, बाकी ये इसकी जो सूरत हाल है आपके सामने है। गाड़ी जो है ये लॉक्ड है, तो मैं इसके अंदर से फिलहाल नहीं दिखा सकता। इस तरह से ये जो है आप देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड है और स्टीयरिंग वगैरह, और ये कुछ इस तरह से जो है ये इसके अंदर सीट्स अवेलेबल है। तो बाकी जो है अगर ये अनलॉक होते तो मैं जल्दी से दिखा देता। इसकी जो है ना डिमांड ये 8 लाख रुपया की जा रही है सुजुकी लियाना की, और अगर कोई भाई इसमें इंटरेस्टेड है तो कॉल करके रब्ता कर ले। तो नेक्स्ट जो गाड़ी है ये 1994 मॉडल जो है ये सुजुकी मार्गला अवेलेबल है यहाँ पे, और इसकी जो डिमांड है ये की जा रही है 7 लाख रुपया, इसकी डिमांड 7 लाख रुपया। बाकी ऑब्वियसली गाड़ी तैयार हुई हुई है, शावर्ड है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और बम्पर वगैरह इसका आप देख सकते हैं, बोनट वगैरह इसका ठीक हालत में नज़र आ रहा है। बाकी ये इसकी साइड बाय साइड जो कंडीशन है ये भी मैं इसके आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देखें जो साइड बाय साइड गाड़ी की कंडीशन है, तो साइडों से अगर देखें तो ये गाड़ी के टायरों की कंडीशन है कुछ इस तरह से, और ये इसमें जो है ये कप व्हील मौजूद है। बाकी बैक साइड इसकी मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये इस गाड़ी की बैक साइड है, और ये बैक साइड से भी देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में ये गाड़ी मौजूद। अंदर से मैं इसका दिखा देता हूँ व्यू जो है, तो ये इसका अंदर से आप चेक करें, इसका डोर की पोजीशन है ठीक है, और ये इसका जो है अंदर से डैशबोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं वीडियो में, और ये इसकी डैशबोर्ड की इंटीरियर की कंडीशन है। बाकी टेप वगैरह इसमें मौजूद है, ये इसकी सीट्स हैं, और सीट्स वगैरह इसकी बिल्कुल ओके हालत में है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस गाड़ी का जो इंजन है ये भी मैं आपको दिखा दूँ इस वीडियो में। बोनट इसका ओपन कर लेते हैं जी, और उससे पहले इसकी जो दूसरी साइड है लेफ्ट साइड ये भी मैं आपको वाइड एंगल में दिखा देता हूँ। ये है जी इसकी वाइड एंगल में इसकी कंडीशन, और ये इसका इंजन है। इंजन वाइज ये गाड़ी ठीक बताई जा रही है शोरूम की तरफ से, कोई किसी किस्म का इसमें इशू नहीं है। और ये इसकी बोनट की कंडीशन है, और ये जनाब इसकी आप देख सकते हैं बैटरी वगैरह फ्रंट पट्टी वगैरह ठीक है। 7 लाख रुपया इसकी डिमांड है गाड़ी की,
अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो कॉल करके रब्ता कर ले। नेक्स्ट जो गाड़ी है ये 2013 मॉडल सुजुकी मेहरान है जो कि VX है और ऑब्वियसली इसमें टचिंग वगैरह हल्की फुल्की मौजूद है। और जो गाड़ी का बोनट है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हालत में है, कोई कुछ स्क्रैचेस नहीं है, कोई डेंट नहीं है बोनट के ऊपर। और बम्पर के ऊपर देखें तो ये स्क्रैच मौजूद है। ये इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। मौजूदा जो गाड़ी की कंडीशन है ये आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है। और ये इसके जो है टायर, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। आ जाएँ इसके डोर्स वगैरह आपको दिखा देते हैं। तो ये इसके डोर्स आप देखें, ठीक है जी, कोई ज़्यादा कुछ स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में ये मेहरान मौजूद है। और ये इसके अंदर से डोर्स की कंडीशन है, गत्ते वगैरह। और ये इसका जो है आप देख सकते हैं डैशबोर्ड वगैरह, टेप जो है ये इसमें लगी हुई है दोस्तों। और ये इसकी सीट्स की कंडीशन है, ठीक है, ये इसकी पीछे वाली सीट्स भी आप देख सकते हैं। बाकी इसका भी इंजन मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, इसका जो बैक साइड का व्यू है वो भी दिखाता हूँ। और ये है जी इसकी बैक साइड से कंडीशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं किट लगी हुई है। और आ जाएँ इसके दूसरी साइड के ऊपर, तो ये है जी गाड़ी की दूसरी साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से भी जो डोर्स वगैरह ये आप वीडियो में देख सकते हैं। आ जाएँ इसका ओपन करते हैं बोनट, तो ये इसका इंजन है, ठीक है, और ये देख सकते हैं इसकी चेसी नंबर, ठीक है, और जो इसके जो है कुप्पे वगैरह, और ये इसकी फ्रंट पट्टी जो है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जनाब इसका बोनट है। तो इस गाड़ी की जो है ये शोरूम की तरफ से बताया जा रहा है कि इसकी फाइल मिसिंग है और डिमांड इसकी 8.5 लाख रुपया की जा रही है, 2013 मॉडल मेहरान की। अगर कोई बाइक को ये समझ आती है गाड़ी तो वो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये 18 मॉडल VXR एसी वाली जो है, ये जेन्युइन एसी वाली जो मेहरान है ये भी अवेलेबल है। और ये जो है बिल्कुल A to Z ओके गाड़ी है। ये आप देखें इसका जो कलर है वाइट कलर है, बड़े खूबसूरत जो है ये इसमें अलॉय रिम मौजूद है। ये इसके टायरों की कंडीशन है कुछ इस तरह से। बाकी लाहौर की रजिस्टर्ड है जी, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये इसका जो है बोनट बम्पर आप देखें बिल्कुल नीट कंडीशन में है। आ जाएँ इसकी साइडों में अगर आपको दिखाऊँ तो ये आप इसकी साइडों से कंडीशन गाड़ी की देखें, बिल्कुल ओके है। अभी इसका जो है अभी अंदर से आपको दिखाते हैं जो रूम है, ठीक है, मैं देख सकते हैं स्पीकर वगैरह ये यहाँ पे इसका ये लगा हुआ है। और ये इसकी डोर की कंडीशन है। बाकी ये इसका डैशबोर्ड है जो कि इंतहाई खूबसूरत हालत में है। और ये इसकी जो है सीट्स वगैरह ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी हालत में सीट्स हैं। 18 मॉडल है, फिर भी एक जो इंजन है इसका ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और चलें जी इंजन इसका जो है ये आपको दिखा देते हैं। तो ये है जी व्यूअर्स गाड़ी का इंजन, ये इसका चेसी नंबर वगैरह आप देख सकते हैं, कुप्पे वगैरह, बैटरी वगैरह, और ये इसकी फ्रंट पट्टी जो है, और ये इसकी बोनट की कंडीशन भी देख सकते हैं आप लोग। तो जनाब डिमांड इसकी कर रहे हैं 12 लाख रुपया, 18 मॉडल है और बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में ये गाड़ी अवेलेबल है। अगर कोई भाई इसमें इंटरेस्टेड है तो कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो ये 2021 मॉडल आल्टो मौजूद है और इस्लामाबाद के रजिस्टर्ड है, टोटल जेन्युइन जो है ये गाड़ी अवेलेबल है। और कंडीशन इसकी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल A to Z ओके है। ये इसके टायरों की कंडीशन है, थोड़ा वॉश होने वाले हैं लेकिन टायरों की कंडीशन इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त है। फेंडर्स वगैरह, डोर्स वगैरह गाड़ी के बिल्कुल स्क्रैचलेस हैं। और इसी तरह से जो इसकी बैक साइड है ये भी इसकी बिल्कुल ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। बैक बम्पर वगैरह, डिक्की वगैरह इसकी आप देख लें। और जो है इसकी ये दूसरी साइड, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड से भी आप जो गाड़ी की कंडीशन देखें, डोर्स वगैरह मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं कुछ स्क्रैचेस वगैरह जो है ना इस गाड़ी के ऊपर मौजूद नहीं है। आ जाएँ इसका अंदर से मैं आपको जो रूम है ये दिखाता हूँ। तो ये इसकी अंदर से डोर की कंडीशन है। और ये इसका जो है आप इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी का। और ये इसका जो है सारा सीट्स वगैरह, और ये इसकी पीछे वाले जो सीट्स हैं, और ये इसका जो रूफ है अंदर से। इंजन इसका भी मैं दिखा देता हूँ एक नज़र। तो जनाब लेन ये हो गया बोनट ओपन, और ये है जिसका इंजन, ये आप देख सकते हैं, बैटरी वगैरह, फ्रंट पट्टी वगैरह, पौधा वगैरह बिल्कुल A to Z ओके कंडीशन में है ये गाड़ी। ये इसका बोनट है। और डिमांड जो है ये इसकी शोरूम वाले कर रहे हैं 25 लाख रुपया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और नंबर जो है वीडियो की स्क्रीन के ऊपर शोरूम वालों का मौजूद है। डिसेंट मोटर्स के ऊपर ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, गुजरांवाला, चांदा किला में, जी मंगोलिया के ऑपोजिट साइड जो है ये शोरूम मौजूद है।
जी तो दोस्तों वीडियो बनाते बनाते पसीना आ चुका है, गर्मी आ चुकी है, तो बाकी सब्सक्राइब कर दिया करें यार, और जो बेल आइकन का निशान है उसको भी ऑल पे क्लिक कर दें। अभी आज आपको मिलेगा एक और नए ब्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं जल्द से जल्द दोबारा, अल्लाह हाफिज़।